वेलोसिटी यू। तो आप क्या करोगे बेटा, पहले बोला गया था इफ मिरर इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, तो ये आपके पास फार्मूला लिखा हुआ है। आई एम गोइंग टू यूज द सेम फार्मूला हियर आल्सो। आई विल राइट डाउन वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बेटा मिरर किधर जा रहा है, राइट साइड में, क्या होगी वेलोसिटी, पॉजिटिव, तो प्लस का 5 लिख दिया यहां, इज इक्वल्स टू माइनस 10 था वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। किधर जा रहा बेटा, इस तरफ जा रहा है, लेफ्ट साइड, माइनस का 10 माइनस का 5। बोलो समझ आया क्या? बस वैल्यू पुट करिए इसमें, वैल्यू पुट करिए, है ना, मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस का 5, ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस का 10, मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस का 5। सो यू विल गेट वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू ये प्लस का 15 प्लस 5 दैट इज प्लस का 20 मीटर पर सेकेंड। अब इस सिचुएशन में इस ऑब्जेक्ट को अपनी इमेज की वेलोसिटी कितनी दिखाई पड़ेगी, 20 मीटर पर सेकेंड मूविंग टुवर्ड्स इटसेल्फ, इसी की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक है बेटा। और दूसरा केस जो था, मतलब दूसरे का जो दूसरा केस था बेटा, उसमें मिरर इधर जा रहा था, मिरर मूव कर रहा था अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड। Again, what you will write down? Velocity of image with respect to ground minus 5, क्योंकि अब मिरर किधर जा रहा है बेटा, लेफ्ट साइड में, तो माइनस 5 होगी, इज इक्वल्स टू माइनस 10 माइनस 5। यही फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि फॉर्मूला तो यही है हमारे पास, ठीक है ना, बस साइन के साथ वैल्यूज को पुट करना। तो ये कितना आ गया बेटा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस 5 इज इक्वल्स टू प्लस 5। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो गया बेटा, 0, मतलब इमेज की वेलोसिटी, इमेज उसको रेस्ट में दिखाई पड़ेगा अगर मिरर इधर जा रहा 5 मीटर पर सेकंड से और ऑब्जेक्ट इधर आ रहा 10 मीटर पर सेकंड से। बोलो बेटा समझ आया, कहीं कोई दिक्कत? नो सर। दैट वाज ऑल द क्वेश्चन, यही था क्वेश्चन के बारे में बेटा, ठीक है ना, आपको क्लियरली समझ में आ गया? अब अगर इसका थर्ड पार्ट भी था, थर्ड पार्ट क्या था बेटा? सो थर्ड पार्ट ये था मिरर मूविंग अवे फ्रॉम यू। हां ये अवे वाला ही तो किया बेटा, ये अवे मतलब टुवर्ड्स यू, और ये टुवर्ड्स हो गया, ये देखो सेकंड के दो पार्ट्स थे ना, टुवर्ड्स मूव कर रहा था मतलब इधर जा रहा है ना, टुवर्ड्स यू मतलब ऑब्जेक्ट इधर है, आप मिरर इधर जा रहा था, ये सिचुएशन बन गई 20 मीटर पर सेकंड आ गई। अवे जा रहा था बेटा तो क्या हो गया, दूर जा रहा है माइनस 5 रखा, ये माइनस 5 हो गया, ये टुवर्ड्स हो गया, ये आपको और मिरर इज एट रेस्ट, और ये रहा बेटा मिरर इज एट रेस्ट फर्स्ट पार्ट। अगर मिरर रेस्ट में है तो देखो मिरर की वेलोसिटी 0 रखी है, देखो ये 0, यस सर। ओके तो अब देखो बेटा, एक तो ये बात हो गई कि जब सीधे सीधे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा मिरर की तरफ, ठीक है ना, अब दूसरी बात यहां पर ये आती है, व्हाट विल हैपन इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट सम एंगल, अगर कुछ एंगल भी इंक्लूड किया जाए। पिछली क्लास में मैंने आपको रिजॉल्व करना सिखाया था, आपको मुझे लगता है कि आपको याद होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई एम गोइंग टू कंसीडर सम, एक और क्वेश्चन कंसीडर करूंगा बेटा इसके ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द इमेज फॉर्म by two plane mirrors. So, एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं, here it is a mirror. ये मिरर है बेटा, ठीक है, and this mirror is moving with a speed. ये मिरर कुछ एक स्पीड से मूव कर रहा कुछ एक एंगल पर, ठीक है ना, ये हमारा मिरर है and this mirror is moving at some angle, ठीक है, with a speed of 35 meter per second. मान लो ये 5 meter per second से मूव कर रहा है 30 डिग्री पर, ठीक है ना? अब इसके सामने कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बेटा, इसके सामने कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, ऐसे इस तरह से इधर जा रहा है, और ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और कितने एंगल पर, 30 डिग्री के एंगल पर ये भी मूव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। मिरर जो है सर, प्लीज फिर से समझा दो, कौन सा क्वेश्चन बेटा,
इसके पहले वाला ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, मिरर 30 डिग्री पर जा रहा है, ऑब्जेक्ट भी 30 डिग्री पर जा रहा है, बट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। सो नाउ व्हाट, पहले तो आपको ये बताया गया था कि केवल वही वेलोसिटी बदलती है जो मिरर के परपेंडिकुलर हो बेटा, ठीक है, केवल वही वेलोसिटी बदलती है जो मिरर के परपेंडिकुलर। वेलकम एकला, फिर बड़े दिनों बाद आए। तो देखो बेटा क्या है यहाँ पर, केवल वही वेलोसिटी बदलेगी जो मिरर के परपेंडिकुलर है, लेकिन ये तो कुछ एंगल पर है बेटा, पहले इसको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, पहले आपको इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी, वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है। तो देखो बेटा, जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ कॉस, पिछली क्लास में समझाया था, जिसके साथ एंगल बनाएगा उसके साथ कॉस, आप लिखोगे 10 cos 30 बेटा इस डायरेक्शन में हो गया ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर आएगा बेटा ऊपर की तरफ, अब जिसके साथ एंगल नहीं बनाता उधर पर आता बेटा साइन, 10 sin 30। बोलो ये बात समझ में आई? यस सर। समझ में आया तो बोलना बेटा, चुपचाप बैठे मत रहना, ठीक है ना, अमृत और बाकी लोग जो भी हैं बोलते रहना बेटा। सना, सानिया, सानिया की आवाज तो कभी भी सुनाई नहीं देती है। देखो बेटा 5, अब ये भी क्या जा रहा है, इधर जा रहा है ना, अब इसका भी एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रहा है, एरो देखो मैंने बनाया, इधर आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा 5 cos 30, क्योंकि इसके साथ ये एंगल बना रहा है। और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना आ रहा है बेटा, वर्टिकल डायरेक्शन में आ रहा है 5 sin 30। बोलो बेटा समझ है? यस सर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का केवल सिंपल सा तरीका है, हॉरिजॉन्टल अलग वर्टिकल अलग, हॉरिजॉन्टल अलग निकालो और वर्टिकल अलग निकालो। तो हम सबसे पहले यहां पर कंसीडर करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल वाला जो डायरेक्शन है बेटा वो मिरर के परपेंडिकुलर है ना, क्योंकि मिरर वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल वाला परपेंडिकुलर है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है then you will write down velocity of image with respect to mirror will be equal to minus times of velocity of object with respect to। बोलो बेटा सही लिखा, क्योंकि ये perpendicular वाला है, perpendicular वाली axis है, ये क्या हो जाएगा बेटा, velocity of image with respect to mirror is equal to minus times of velocity of object with respect to mirror। अब इसको हम open करते हैं बेटा, तो velocity of image minus with respect to ground minus velocity of mirror with respect to ground is equals to माइनस टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वही फॉर्मूला बेटा आप 2-3 बार लिखोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब देखो सारी वेलोसिटीज कितनी है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, अंडर रूट 3/2 है ना, याद है? यस सर। यस सर। बेटा इसको हम लिखेंगे अंडर रूट 5√3 लिख देंगे तो कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, 5√3, रूट 3/2 लिखा, 2 से 10 को कैंसिल कर दिया, 5√3 हो गया। और ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 5, ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 5√3/2, और ये कितना हो गया 5/2। बोलो बेटा सही है ना। अब आप यहां पर इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही तो पूछा आपसे, पूछा क्या गया था, देखो बेटा मैंने क्वेश्चन में कुछ और पूछा था, हमने आपसे क्वेश्चन में पूछा था वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये पूछा था हमने, है ना, वो हमें यहीं से मिल जाता, उसके लिए हमें ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, पहले ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करें, मिरर के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी क्या आएगा वेलोसिटी। अब बेटा यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करने का टाइम आ गया, अब आपको क्या ध्यान रखना है, क्योंकि आप वेलोसिटी की बात कर रहे हो तो मतलब आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है बेटा। अब मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द हॉरिजॉन्टल, मतलब ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी, इन दोनों को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, वर्टिकल भूल जाओ, सिर्फ हॉरिजॉन्टल देखो। तो देखो बेटा मिरर किधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, इधर लेफ्ट डायरेक्शन, आप लिखोगे -5√3/2। बोलो बेटा ऐसा लिखोगे,
सही है ना? Yes sir. Is equals to minus times of velocity of object with respect to ground. Object इधर जा रहा है, उस direction. कितना आया? Five. हाँ बेटा. तो आपने five root सब कुछ नहीं, sorry. समझ आ गया ना? Yes sir. अब देखो ये इधर जा रहा है तो 5√3 हो गया, 5√3 माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मिरर किधर जा रहा है बेटा, इधर जा रहा है इस डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है मतलब नेगेटिव लेना है, तो माइनस का 5√3 बाई ओपन करो बेटा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस 5√3 बाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ 5√3 प्लस 5√3 बाय 2. इतनी कहानी होगी बेटा. अब सॉल्व करते आगे, बस अब उसके बाद सॉल्यूशन ही है इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना. इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, ये माइनस बाहर वाला था, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है. अब इसको इधर ले जाते हैं, तो उधर ले जाएंगे माइनस का पहले अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5√3 माइनस 5√3 बाय 2 और एक और आ गया माइनस का 5√3 बाई 2. तो ये हो गया कितना बेटा, माइनस का 5√3 माइनस का 5√3 कितना आ गया बेटा, माइनस का 10√3. तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग इट्स एक्सिस माइनस 10√3 आया बेटा. बोलो समझ आया? यस सर. यस सर. यस सर. ठीक है, गुड. So it was all about the horizontal direction. Now we have to find out the vertical direction also. Vertical direction भी निकालना है, ठीक है? तो चलिए vertical direction देखते हैं कैसे निकले. इसे आपने note कर लिया बेटा, इसको मैं हटाता हूँ और vertical direction की बात करता हूँ, ठीक है? अब vertical direction की बात जब हम करेंगे, तो बेटा क्या होगा vertical direction में? ये माइनस हट जाएगा, ठीक है, उसमें नेगेटिव नहीं होता बेटा, वो माइनस हट जाएगा, तो ये वाला माइनस आप यहाँ से हटा दो, ये फॉर्मूला बन गया वर्टिकल डायरेक्शन के, ठीक है. वर्टिकल डायरेक्शन के अबाउट वेलोसिटी नहीं बदलने वाला, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है बेटा. तो ये माइनस यहाँ पर आएगा नहीं, और जब ये माइनस यहाँ पर नहीं आएगा तो हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे, सारी वैल्यूज को पुट करेंगे फिर से. चलिए अब देखो बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन की वेलोसिटी को पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड को नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पर दोनों ही चीजें मिरर भी और ऑब्जेक्ट भी दोनों ही ऊपर जा रहे बेटा. तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस मिरर की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है बेटा, 5/2 है. देखो ये मिरर की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो प्लस का 5/2, इसको लिख दिया 5/2 इज इक्वल्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितना है, 5 है, देखो 5 है ना, 5 लिख दिया माइनस मिरर की वेलोसिटी ऊपर की तरफ ही है, प्लस का है 5/2. देखो बेटा कितना आ गया ये, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज गोइंग टू बी इक्वल टू 5 - 5/2 प्लस 5/2, और ये कैंसिल हो गया बेटा, कितना आया 5. मैंने क्या बोला था, केवल और केवल उसी एक्सिस के अबाउट वेलोसिटी इमेज की बदलेगी जो परपेंडिकुलर है, इसकी वाली नहीं बदली, सेम रही. तो ये आ गया बेटा वाई एक्सिस के अलावा, एक्स के अलावा भी निकाल लिया, वाई एक्सिस के अलावा भी निकाल लिया. बोलो समझ आ गई बात? यस सर. यस सर. अगर आपसे टोटल स्पीड पूछा जाता तो टोटल स्पीड कैसे निकालते हैं बेटा, कभी भी अगर टोटल स्पीड की बात हो तो ये आप निकालोगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे निकलता है बेटा हमेशा ये फॉर्मूला. कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, अगर दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, स्क्वायर देम, ऐड देम एंड टेक द अंडर रूट, यू विल गेट द रिजल्ट, मतलब टोटल, क्योंकि ये तो कंपोनेंट्स है ना, आपने कंपोनेंट्स निकाले, तो अब ये आपको मिल जाएगा बेटा अंडर रूट माइनस 10√3 का होल स्क्वायर और प्लस का 5 स्क्वायर. सॉल्व ऑल कर लो, जो आएगा अंडर रूट 100 325 टोटल स्पीड इमेज. तो इमेज की टोटल स्पीड कितनी आ गई, अंडर रूट 325. समझ आ गई बात? Yes. Yes, sir. Okay, good.
चलिए इतनी बातें हमने आपको बता दिया, आपके सामने से ये गुजर गए क्वेश्चन। अब आपको दोबारा जब ये मिलेगा, जब आप वापस 11th 12th में आएंगे, तो आपको ये क्वेश्चन फिर से मिलेंगे, तो आपको ये काफी हेल्पफुल लगेंगे एट दैट टाइम। अभी थोड़ा सा हेडेक टाइप के लग सकते हैं, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं बेटा, तो उससे आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। आगे ये सब आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, और आप ये समझ लो कि आपको मैं बिल्कुल 10th एडवांस वाला जो बैच है ना, उसके पैरेलल ले चल रहा हूँ। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा होगा जो कि आप नहीं पढ़ोगे, हम आपको सब कुछ बताएंगे, बस वो टॉपिक हमारे सिलेबस में होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो गई बेटा। अब अगली बात जो होती है प्लेन मिरर से रिलेटेड, एक लास्ट पॉइंट होता है, उसके बाद हम लोग स्फेरिकल मिरर पर आएंगे जो आपके सिलेबस में है। प्लेन मिरर से ही रिलेटेड एक और पॉइंट होता है बेटा, एंड दैट पॉइंट इज नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर। अगर दो प्लेन मिरर का यूज किया जाए तो वो दोनों प्लेन मिरर कितनी इमेजेस बना सकते हैं, हम उसके बारे में बात करें। सो नंबर ऑफ इमेजेस अगर आप यहां पर देखोगे फॉर्म बाय द टू प्लेन मिरर, देन हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड इट आउट। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, सिंपल सा कंसेप्ट है, आप उसको ध्यान देना। मान लो हमारे पास दो प्लेन मिरर है ना, ये हमारे पास दो प्लेन मिरर है, एक ये रहा और एक को इसके साथ ऐसे रख दिया बेटा, कुछ इस तरह से ऐसे रख दिया, और याद रहे दोनों के जो अनसिल्वर्ड फेस है एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब इसकी पॉलिशिंग इधर पीछे की तरफ है और इसकी भी पॉलिशिंग इधर पीछे की तरफ। इन दिस केस इफ द एंगल बिटवीन द मिरर्स, अगर इन दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना बेटा थीटा है, इन दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है बेटा थीटा है। बेटा एक सेकंड जरा, ये शरारती लोग शांत हो जाए। देखो बेटा, हमने ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा है और ये दो मिरर है हमारे पास M1 और M2। M1 और M2 के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, M1 और M2 के बीच में जो एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज थीटा। एंगल बिटवीन टू मिरर्स ये आपको दिया गया बेटा क्या, थीटा, ठीक है ना। और ये जो ऑब्जेक्ट रखा गया है, मान लो M2 से कितना एंगल बना रहा है अल्फा, और इसके साथ बना रहा है बीटा, इसको M2 कर देता हूं, इसको M1 कर देता हूं, ठीक है ना। अब इस केस में कितनी इमेजेस बनेंगी इसकी बात होगी बेटा। इसका मैं आपको फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, आप फॉर्मूला इसको नोट करेंगे। जो नंबर ऑफ इमेजेस जब आप निकालोगे यहां पर, तो इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द फर्स्ट पॉइंट इज, पहले आप निकालोगे n इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई थीटा, ठीक है बेटा। थीटा लिखा है, अल्फा बीटा नहीं लिखा है, क्या लिखा है, थीटा लिखा है। तो थीटा लिखने का मतलब क्या है, दोनों मिरर के बीच का टोटल एंगल 360 डिग्री बाय थीटा करके आप निकालोगे बेटा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट द इवन नंबर, आपको इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों से कुछ एक मिलेगा, ठीक है ना, इवन नंबर या फिर ऑड नंबर, ये आपको मिलेगा। अब ये जो आपको 360 बाय डिग्री इवन नंबर मिला, इन दैट केस जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, देन इवन नंबर मान लो इसको हमने लिखा बेटा किससे, n तो लिखा ही मैंने, then number of images, जो images ये बनाएंगे बेटा वो होंगी n-1। n equals to निकाला आपने, कितना निकाला 360 by theta, ये आपको मिल गया क्या, एक इवन नंबर। इवन नंबर मिलने के बाद अब आपसे पूछा जा रहा है what is the number of images, you will subtract 1, why, अगर आपको एक इवन नंबर मिलता है बेटा तो जो लास्ट वाली इमेज है ना, ये इमेज बनाएगा कुछ इधर ऐसे इमेज बनाता जाएगा, कुछ इस तरह से ऐसी इमेजेस बनती जाएंगी, जो लास्ट वाली इमेज आएगी वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बन जाएगी, ठीक है ना। मतलब जो लास्ट वाली इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कॉन्साइड कर जाएगी, इसके माइनस वन करते हैं। तो अगर आपको इवन मिला, इवन के केस में आप क्या लिखोगे बेटा, -1, ठीक है ना। 360 बाय थीटा निकाला और आपको मिल गया क्या, इवन नंबर, आपने कर दिया n-1। अब बेटा दूसरी बात ये आती है कि अगर मान लो If n is equal to, आपने 360 डिग्री बाय थीटा निकाला और ये आपको मिल गया बेटा ऑड नंबर, इवन नंबर नहीं मिला, क्या मिला, ऑड नंबर मिलेगा, ठीक है ना।
अब ऑड नंबर के केस में कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ इमेजेस, तो जो इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस आएंगे दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू नंबर ऑफ इमेजेस इन दिस केस इज गोइंग टू बी इक्वल टू दो होगा बेटा एन माइनस वन, एन माइनस वन भी हो सकता है और एन भी हो सकता है, ठीक है ना। एन माइनस वन होगा इफ, अब यहां पर देखो बेटा मैं कंडीशन क्या लगाऊंगा, इफ अल्फा इज गोइंग टू बी इक्वल टू बीटा, ये अल्फा और बीटा बराबर हो, मतलब अगर ऑब्जेक्ट को आपने एंगल बाइसेक्टर पर रखा है, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट दोनों मिरर से बराबर का एंगल बना रहा है, दोनों मिरर से बराबर का एंगल बना रहा है, देन द नंबर ऑफ इमेजेस इज गोइंग टू बी इक्वल टू एन माइनस वन, ठीक है। नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो जाएगा बेटा एन माइनस वन, ठीक है। और अगर अल्फा बीटा के इक्वल नहीं है, मतलब इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों मिरर से बराबर एंगल नहीं बना रहा है, तब नंबर ऑफ इमेजेस होंगी बेटा एन इफ अल्फा इज डज नॉट इक्वल टू बी। सिचुएशन समझ में आई, पहले आप 360 बाय थीटा निकालेंगे, आपको इवन नंबर मिलेगा तो एन माइनस वन, ऑड नंबर मिलेगा तो आपको देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर रखा है या फिर दोनों मिरर से वो अलग अलग एंगल बना रहे हैं। अगर वो अलग अलग एंगल बना रहे बेटा तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना आ जाएगा एन आ जाएगा। बोलो समझ आया? ठीक है बेटा, अब मान लीजिए थर्ड केस हम यहाँ पर बनाते हैं, थर्ड केस हम यहाँ पर लेते हैं, एन इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय थीटा एंड दिस इज नॉट अ इंटीजर, अगर ये इंटीजर नहीं आता है बेटा तब क्या करेंगे, इफ इट इज नॉट एन इंटीजर देन व्हाट यू विल डू। सर काउंटिंग मेथड, काउंटिंग मेथड, यस, इन दैट केस देन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द काउंट, मतलब काउंटिंग मेथड लगाएंगे। हालांकि मोस्ट ऑफ द मेथड में आपको कुछ एक पैटर्न देखने को मिलेगा, एक आध दो ऐसे केसेस मिलते हैं जहां पर वो पैटर्न फेल हो जाता है, इसलिए अगर वो इंटीजर नहीं है बेटा तो हम काउंटिंग मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया फॉर्मूला, इफ देयर आर टू मिरर्स एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड making an angle alpha and beta with the mirrors and the total angle between the mirrors is theta, ये जो total angle इनके बीच का है बेटा वो कितना है theta है, ठीक है। तो in that case this is the formula, ठीक है, 360 by theta निकालोगे, उसके हिसाब से आप number of images को count कर लोगे बेटा। जैसे अब मैं छोटे छोटे ऐसे पूछता हूँ आप फटाफट बताते जाओ, अगर theta 60 degree होता, दो mirror 60 degree के angle पर रखे होते, then कितने images बनते बेटा, बताओ बेटा। इफ द टू मिरर्स आर एट 60 डिग्री इन दैट केस हाउ मेनी इमेजेस आर गोइंग टू बी फॉर्म देयर, कितनी इमेजेस वहां पर बनती है, आपने क्या किया 60 बाय 60 किया, आपको मिला 6, 6 वाज अ इवन नंबर सो दैट्स व्हाई आपने 1 सबट्रैक्ट कर दिया, आंसर आ गया 5, ठीक है बेटा। What if you are going to place the mirrors at 45 degree? अगर आप mirrors को 45 degree पर रखोगे तो कितनी images बनेंगी बेटा? सेवन आएगा बेटा, आया बेटा सानिया,
ये बेटा आ गया, 7 आएगा ना, 360 को 45 से डिवाइड करो, 45 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा, 8 क्या है, इवन नंबर, 1 माइनस कर दो 7 आ जाएगा, ठीक है बेटा। नाउ लेट्स गो टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इमेजेस इफ यू आर गोइंग टू गेट अ फ्रैक्शन नॉट एन इंटीजर। अगर आपको इंटीजर ना मिल करके कोई फ्रैक्शन मिले बेटा तब आप कैसे करोगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है कि एक मिरर ये है और दूसरा मिरर ये है बेटा, और यहां पर इस लाइन पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज मेकिंग एन एंगल 40 डिग्री विद द मिरर M1 एंड 30 डिग्री विद द मिरर M2। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ कितनी इमेजेस बनाएगा ये दोनों मिरर। अच्छा कितनी इमेजेस बनाएगा इसको हम थ्योरेटिकली आपको समझा भी देते हैं बेटा, थ्योरेटिकली आप कैसे समझोगे इसको, ये जो ऑब्जेक्ट है 40 डिग्री पर रखा हुआ है ना, तो इसकी इमेज M1 बनाएगा कितने एंगल पर बेटा, उतने ही एंगल, कितने एंगल पर, 40 डिग्री, क्योंकि आपने पढ़ा ना पोजीशन सेम रहती है, जितने डिस्टेंस पर आप ऑब्जेक्ट को रखो उतने डिस्टेंस पर इमेज बनता है प्लेन मिरर, तो डिस्टेंस बेटा लीनियर भी होती है एंगुलर भी होती है, जितने एंगल पर रखा उतने एंगल पर इमेज बनेगा। तो ये तो बन गया बेटा, इसकी इमेज I1 ने बना दिया, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, तो कहां बनाएगा बेटा, 30 डिग्री पर बनाएगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि इसके बाद आगे कैसे बनेगा, तो इसके बाद भी आगे ये कैसे बनेगा बेटा, अब यहाँ पर ये जो I1 बनाना, ये I1 बेटा इसके सामने है, ये I1 है M2 के सामने, M1 के तो पीछे आ गया, M1 अब इसकी इमेज नहीं बनाएगा, लेकिन ये किसके सामने है, M2 के सामने, M2 इसकी इमेज बनाएगा बेटा, कितने एंगल पर, 40 कितना हो गया 80 और 140 डिग्री पर बनाएगा, ठीक है। मतलब इसी तरह से ये इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू, हमेशा एक सर्कल में जाकर के टोटल एंगल्स बनते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए बोला जाता है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ इमेजेस, बट नाउ वी कैन नॉट कंटिन्यू विद दिस मेथड, जो मैंने अभी आपको बताया ना रेड लाइन बना करके, आप इसके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। करना क्या है आपको, काउंटिंग मेथड समझना है, काउंटिंग मेथड के अकॉर्डिंग क्या है, सबसे पहले तो आपको यहां पर लिखना है मिरर M1 और यहां पर लिखना है मिरर M2, ठीक है बेटा। अब जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट M1 के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो M1 के साथ कितना एंगल बना रहा है बेटा, आपको दिख रहा है 40 डिग्री, इसको लिखते हैं यहां पर 40 डिग्री, M2 के साथ कितना बना रहा है 30 डिग्री, इसको लिखते हैं यहां पर 30 डिग्री। अगर मैं 360 बाय 70 करता, क्योंकि टोटल एंगल कितना है बेटा, 70 है, 360 बाय 70, सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी इंटीजर, ये इंटीजर नहीं आता, और इंटीजर नहीं आता तो आपको ये मेथड फॉलो करना, ध्यान से समझना बहुत ही आसान। M1 लिखा, M1 से ऑब्जेक्ट कितने एंगल पर था, 40 डिग्री पर था, M2 लिखा, M2 से कितने एंगल पर था, 30 डिग्री पर था। Now what you have to do, आपको इसमें ऐड करना है क्या, टोटल एंगल बिटवीन द मिरर कितना है बेटा, 70 डिग्री, आप इस 40 डिग्री में 70 डिग्री को ऐड करें, एरो बनाए इधर M2 की तरफ, इसमें ऐड करें प्लस का 70, कितना हो गया बेटा, 110 110, ठीक है बेटा, 40 में हमने 70 ऐड कर दिया, कितना मिलेगा हमें, 110, ठीक है। अब 30 में भी वही काम करो, प्लस का 30, प्लस का 70, क्योंकि टोटल एंगल कितना है 70 डिग्री, ये कितना आ गया बेटा, 100 आ गया। अब इसमें फिर से 70 ऐड करो बेटा, प्लस का 70, कितना हो गया, 170, इसमें अगर हम 70 ऐड करेंगे कितना हो गया बेटा, 180 प्लस का 70। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यही काम कर रहे हैं कि M1 में 70 ऐड कर दिया, M2 में भी 70, मतलब ये हम कंटिन्यूअसली प्रोसेस करते जाते हैं, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक आपको 180 या उससे कम मिल जाए। ये जो एंगल है बेटा, इट मस्ट नॉट एक्सीड विद 180 डिग्री, 180 डिग्री से ज्यादा नहीं आना चाहिए, अगर इसके आगे आप 70 और ऐड करोगे तो ये ज्यादा हो जाएगा 180 से, और ये तो 180 आई ऑब्वियसली कुछ भी ऐड करोगे ज्यादा हो जाएगा, तो यू हैव टू स्टॉप हियर। आपको ये दोनों एंगल्स को लिखना है, दोनों मिरर के बीच में जो टोटल एंगल था उसको बारी बारी से एक दूसरे में जोड़ते जाना है और एक दूसरे के नीचे शिफ्ट करते जाना है, और ये प्रोसेस आपको तब तक कंटिन्यू रखना है बेटा जब तक आपको 180 से ज्यादा एंगल ना मिलने लगे।
जब तक 180 है उससे कम एंगल बन रहा है तब तक आप उसको लिखोगे। हमने लिख लिया बेटा, अब क्या करना है, अब इसमें काउंट करो कितने इमेजेस हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल काउंटिंग में कितने आए बेटा, 6 है। पहला इमेज 40 डिग्री पर बना, दूसरा 110 पर बना, तीसरा 180 पर बना, और मिरर M2 का पहला 30 पे बना, फिर 100 पर बना, फिर 170 पर बना, तो टोटल कितना आ गया बेटा, 6 इमेजेस आ गए। अब बात यहां पर क्या करना है कि वेदर वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 1 और नॉट, क्योंकि भाई अभी अभी हमने देखा ना कि कुछ कुछ ऐसे थे जिसमें हम एन माइनस वन कर देते थे, है ना, और कुछ में नहीं कर देते, तो क्या यहां पर कैसे करेंगे, तो ये जो लास्ट के दो एंगल मिल रहे हैं बेटा, लास्ट के दो एंगल, एड टू एंगल्स इन लास्ट स्टेप, ठीक है ना, एंड एंगल बिटवीन द मिरर, एंगल बिटवीन द मिरर विच इज 70 हियर। अब बेटा इसको ऐड करो, कितना मिला, 180 प्लस 170 प्लस 70, क्या ये आपको 360 डिग्री मिलने वाला है क्या, चेक करो, ऐड करो, तो क्या ये 360 मिलेगा, नहीं मिलेगा बेटा, दिस इज नॉट इक्वल टू 360 डिग्री। अगर ये लास्ट के जो दो एंगल मिलते हैं वो एंगल प्लस ये वाला एंगल, एंगल बिटवीन द मिरर, अगर इनका सम एग्जैक्टली 360 डिग्री आ जाता है, एग्जैक्टली 360 डिग्री आ जाता है, देन यू विल से यू आर गोइंग टू माइनस वन, तब आप माइनस वन करोगे। अब ये 360 नहीं है, सो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इक्वल टू उतने जितने आपने काउंट किए बेटा, कितने काउंट किए, 6, ठीक है, क्योंकि ये क्या है बेटा 360 डिग्री, 360 डिग्री नहीं आ रहा है। अगर एग्जैक्टली 360 डिग्री आता ना तो माइनस वन कर देता, 5 होता। बोलो कहानी समझ में आई? Yes, sir. तो ये इम्पोर्टेंट बात है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये आपके काम में आएगा आगे भी, कभी भी किसी भी क्लास में आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट हो बेटा तो आप पूछ सकते हो, अभी कोई दिक्कत हो तो। अगर 360 आएगा एग्जैक्टली तो माइनस वन करना है, अदरवाइज माइनस वन नहीं करना है। तो ये इतनी बातें थी जो मुझे आपको प्लेन मिरर के बारे में बतानी थी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारे सिलेबस में है, और वो है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। बहुत कुछ जो आपके सिलेबस में, उसके साथ साथ बहुत कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑप्टिक्स में बेटा ज्यादा कुछ मैथमेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ज्योमेट्री का इन्वॉल्वमेंट होता है, सो दैट्स व्हाई यू कैन इजीली डू दिस चैप्टर। इसमें उतनी ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं आती जितनी बाकी के चैप्टर्स में आती, जिसकी वजह से बाकी चीजें हमें छोड़नी पड़ती है ना, तो उतना ज्यादा यहाँ पर नहीं आएगा। जब आपके इस लेवल से एक बार हो जाएगा देन मैं आपको मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी पढ़ाऊंगा और वेक्टर भी पढ़ाऊंगा, दोनों ही चैप्टर बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं और आपके बड़े काम आएंगे जैसे आप लेवल पे पहुंचेंगे, ठीक है। चलिए बेटा अब हम लोग बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर की, तो बेसिक जो है वो सबने पढ़ा हुआ है, क्यों, स्फेरिकल मिरर के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे, क्यों बेटा जानते हो ना, मतलब क्या होता है कि आप एक स्फेयर लेकर के आते हो, ग्लास का एक ट्रांसपेरेंट स्फेयर लेकर के आते हो, उसको कट कर देते हो किसी एक कॉर्ड के अलावा, और कट करने के बाद आप उसको पेंट कर देते हो किसी एक सरफेस, और उसके बेसिस पर आपको दो तरह के मिरर मिल जाते हैं बेटा। दो तरह के कौन कौन से मिरर मिलते हैं, एक मिलता है बेटा कन्वेक्स मिरर और एक मिलता है कनकेव मिरर। आपने सुना होगा इनके बारे में, जानते भी होंगे, है ना। कन्वेक्स मिरर की बात करें बेटा, जैसे मान लो ये हमारे पास स्फीयर था, हमने इसको यहां से कट कर दिया, कट कर दिया तो हमें इसका ये वाला जो पोर्शन था इसको हमने अलग कर लिया बेटा। अलग करने के बाद हमने इसको इधर से अंदर से पॉलिश कर दिया, सिल्वर पॉलिश कर दिया, ये बन गया कन्वेक्स लेंस, ठीक है। क्या किया हमने, हमने एक स्फीयर, ये सर्कल भले ही दिख रहा है बट दिस इज एक्चुअली स्फीयर,
हमने एक स्फेयर लिया बेटा, इस स्फेयर को किसी एक कॉर्ड के लाम कट कर दिया और पॉलिशिंग अंदर की तरफ कर दिया, तो ये हो गया बेटा कन्वेक्स मिरर। और कनकेव मिरर में फिर से आप दिल ले लो वही, और आप एक कॉर्ड के लाम इसको कट कर लो, एक स्फेयर ले लिया कॉर्ड के लाम कट कर दिया, जब इसके लाम कट किया हमने फिर ये हमें ऐसा पार्ट मिल गया बेटा। अब इसकी पॉलिशिंग हमने इस तरफ से कर दी बेटा, बाहर की तरफ से कर दी, तो अब ये हो गया क्या बेटा कनकेव। तो ये वाला हो गया कन्वेक्स और ये वाला हो गया कनकेव। बोलो कन्वेक्स और कनकेव समझ में आया? इसके बारे में सुना है, पढ़ा है, जाना है, सब कुछ जानते हो आप इसके बारे में। अब इसके बाद बेटा ये जो आपको मिलता है ना, ये पूरा का पूरा मान लो ये एम एम डैश मिल रहा है आपको, तो यहाँ पर ये जो एम एम डैश होता है, दिस इज कॉल्ड द कर्वेचर ऑफ मिरर। ये मिरर का कर्वेचर होता है बेटा, ठीक है, मतलब टोटल ये जो लेंथ आएगी आर्क वाली जो लेंथ आएगी, ठीक है ना। अब इसी कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होता है, ये ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड द पोल। और पोल हमेशा हर मिरर में होता है, तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द पोल, तो पोल क्या होगा बेटा, पोल होगा एक पॉइंट जो मिरर के ठीक बीचों बीच सिचुएटेड होगा, मिरर के कर्वेचर के ठीक बीचों बीच सिचुएटेड होगा। एंड इफ यू आर गोइंग टू ज्वाइन एम एंड एम डैश, अगर आप एम और एम डैश को ज्वाइन कर देते हो बेटा, सो दिस इज कॉल्ड द अपर्चर। इसको बोलते हैं बेटा क्या, अपर्चर, ठीक है ना। यहाँ पर भी लिख देते हैं एम डैश और एम, और हमने इनको ज्वाइन कर दिया बेटा, तो ये जो आया जो इसका डायमीटर आता ना ये, तो इसको बोलते बेटा अपर्चर। तो अपर्चर और पोल क्या है समझ में आया, अपर्चर और पोल क्या है समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. ठीक है, अब एक लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। एक और बात आती है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हमारा कर्वेचर था, इस कर्वेचर का सेंटर कहाँ है, सीधी सी बात ही है, क्योंकि आपसे कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जा रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब जो कर्वेचर आपने बनाया यहाँ पर, इस कर्वेचर का सेंटर कहाँ पर है। तो देखो बेटा, ये कर्वेचर जो आपने बनाया, इट वॉज द पार्ट ऑफ दिस स्फीयर, ये इस स्फीयर का पार्ट, तो जो इस स्फीयर का सेंटर है वही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब आप कैसे डिफाइन करोगे, द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट, उस स्फीयर का सेंटर जिसका मिरर पार्ट है वही होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मान लो ये बेटा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे आ रहा है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ठीक सामने आ रहा है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। इसमें ये पॉलिश कर रखा है, इसके पीछे आ रहा है, इसमें पॉलिशिंग बाहर की तरफ हुई, अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं बेटा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को ज्वाइन कर रही हो, ठीक है ना, ये वाली लाइन हमने बनाई, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को ज्वाइन कर रही हो, सो दिस लाइन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आपसे कभी पूछा जाए व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस, देन यू विल से अ लाइन विच ज्वाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, एक ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो चार पॉइंट्स मैंने आपको बताया बेटा, एक हमने बताया आपको कि व्हाट इज द पोल, एक हमने बताया आपको व्हाट इज द कर्वेचर ऑफ द मिरर, एक हमने बताया अपर्चर क्या है, और एक हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन विच ज्वाइंस द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ठीक है बेटा। इतनी बातों में कहीं किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, डेफिनेशन आपकी बुक्स में है, दैट्स व्हाई हम इसको लिखने गए, क्लियर है बेटा? यस सर। चलो अब आगे की बात करते हैं बेटा, आगे की बात क्या, इन्हीं मिरर की फोकस की बात होती है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑफ द मिरर। इसमें एक फोकस होता है, अब फोकस क्या चीज है, फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर इंसिडेंट रेस जो कि पैरेलल आ रही होती है, ठीक है ना। अब पैरेलल दो तरह से आती है, मैं फिर से डायग्राम बनाता हूं यहाँ पर। ये हमारे पास है मान लो एक कंकेव मिरर और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बेटा, तो ये हो गया पोल और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहली सिचुएशन जो आपकी बुक में दे रखा है वो क्या है कि मान लीजिए सारी लाइट रे जो इंसिडेंट हो रही, सारी की सारी लाइट रेस दे आर पैरेलल टू ईच अदर एज वेल एज दे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आल्सो। जो भी लाइट रे आ रही है ना
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और आपस में भी पैरेलल। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन, अब बेटा यहाँ पर रिफ्लेक्शन कैसे होगा क्योंकि ये स्फीयर की बात हो रही है, तो स्फीयर पे आपको एक नॉर्मल चाहिए होगा, बिना नॉर्मल के आप रिफ्लेक्शन करवाओगे नहीं, आपको एक नॉर्मल चाहिए। सो इफ यू विल ज्वाइन द सेंटर ऑफ कर्वेचर विद द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जहां पर लाइट इंसिडेंट हुआ है उस पॉइंट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनाएंगे, सो दिस बिकम्स द नॉर्मल। इसी को बोलते हैं बेटा नॉर्मल, मतलब आप इस कर्वेचर के ऊपर किसी भी पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ दोगे ना, तो दैट लाइन विल बी द नॉर्मल। अब बेटा मान लीजिए कितने एंगल पर आया, आई एंगल पर आया, तो उतने ही एंगल पर ये क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्ट होगा और प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं कट करेगा, आई और आर बराबर। द सेम सिचुएशन विल बी हैपन टू दिस रे, मतलब फ्रॉम ईच रे, हर रे के साथ यही सिचुएशन आए। इस पॉइंट पर आपने नॉर्मल बना दिया, अब ये भी रिफ्लेक्ट होगा बेटा और रिफ्लेक्ट होकर के आसपास कुछ इस तरह। तो देखो क्या हुआ, ये हो गई हमारी इंसिडेंट रेस, ये जो पैरेलल आ रही थी ये क्या होगी बेटा इंसिडेंट रेस, और ये हमारी रेस जो है वो रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं पर कट कर रही है। अब इस सिचुएशन में जहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रहा है, जहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड द फोकस। मतलब फोकस क्या हो गया, अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ऑन प्रिंसिपल एक्सिस हम केवल तभी लिखेंगे बेटा जब ये सारी लाइट रेस क्या होंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। तो अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच ऑल रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। ओके बेटा, आई बात समझिए, जो सारी पैरेलल वीडियो ब्लर है कि बेटा वीडियो ब्लर है, कमिंग पैरेलल के बाद क्या लिखा आपने, पैरेलल के बाद मैंने लिखा टू प्रिंसिपल एक्सिस, पीए प्रिंसिपल एक्सिस विल मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। सही बेटा, आप ना हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया करो जूम को, तो वाईफाई होता तो बढ़िया चलता है, मोबाइल डेटा से थोड़ा सा दिक्कत आती है ना, किसी अदर मोबाइल से अगर आप हॉटस्पॉट ले सको तो इट विल बी मोर बेटर। वैसे ये वीडियो ब्लर नहीं है, क्यों बेटा ब्लर तो नहीं है ना, मुझे तो क्लियर दिख रहा है, सर क्लियर है, यस सर क्लियर है। कनकेव मिरर का फोकस हमने बनाया, अब पैरेलेक्स मिरर का भी बना करके देखते हैं कि इसके साथ क्या होगा। अगर इसके साथ हम बनाएंगे कन्वेक्स मिरर का बनाएंगे, सो व्हाट विल हैपन, इट विल लुक्स लाइक दिस, दिस इज द कन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। अब ये कन्वेक्स मिरर हुआ बेटा, ये हो गया इसका पोल, अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहाँ पे ही होगा ना। अब मान लीजिए कि लाइट रेस पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है ना, लाइट रेस क्या है, पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, सो दे आर कमिंग पैरेलल टू ईच अदर, मतलब कुछ इस तरह से। अब ये रिफ्लेक्ट होने के लिए इनको नॉर्मल चाहिए, तो आपने इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ दिया, ये आपको मिल गया बेटा नॉर्मल। अभी जितने एंगल पर इंसिडेंट हुआ है नॉर्मल से, उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा बेटा, ये भी ऐसे ही करेगा, उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्या वीडियो क्लियर नहीं है, बेटा थोड़ा सा अपने डेटा पैक को रिफ्रेश करो, क्योंकि मैं भी दो डिवाइस से हमेशा कनेक्ट करके रखता हूँ, तो अगर आपका ब्लर होगा तो मेरा भी ब्लर हो जाएगा, अगर मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम आएगी, मेरा जो मेन डिवाइस होता है वो कहीं और होता है और लैपटॉप को मैंने कनेक्ट किया होता है उससे, दो आईडी से लॉगिन करके रखता हूँ, तो अगर ब्लर होगा तो मुझे पता चल जाएगा, आपके डेटा में थोड़ी सी समस्या होगी कुछ, थोड़ा सा उसको देखो, ट्राई करो, रिफ्रेश करो। अब देखो बेटा ये भी रिफ्लेक्ट हो गया उतने ही एंगल पर जितने एंगल पर आया था, ये भी रिफ्लेक्ट हो गया। अब क्या करना है, क्या ये दोनों रियल में मिलने वाले, क्या ये रिफ्लेक्टेड रे जो है क्या ये दोनों रियल में मिलने वाले, नहीं बिल्कुल नहीं। अगर आप अपनी आईज को यहाँ पर रखेंगे तो आपकी आईज को लगेगा कि ये लाइट रे कहाँ से आ रही है, यहाँ कहीं से आ रही है, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा करना होगा। अब स्केल नहीं है बेटा, नहीं तो एकदम क्लियर बना करके दिखाता हूँ मैं आपको,
ये कुछ ऐसा है। तो ये इस पॉइंट पर आकर के क्या हो रहा बेटा, मीट हो रहा है, मतलब रियल में मीट नहीं कर रहा है। रियल में तो हमारी रेस जो है बेटा वो कभी नहीं मीट करेंगे रिफ्लेक्ट होगी, बट अगर आप इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो दे आर गोइंग टू मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज कॉल्ड द फोकस। तो बेटा क्या हुआ, कॉनकेव मिरर में रियल फोकस मिलता है आपको, मतलब सचमुच में लाइट रे इंटरसेक्ट कर रही होती है प्रिंसिपल एक्सिस पर। लेकिन जब आप कन्वेक्स मिरर की बात करते हो तब आपको वर्चुअल फोकस मिलता है बेटा, क्योंकि लाइट रे जो है वो रियल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती है। तो कॉनकेव के पास कैसा होता बेटा, रियल फोकस, और कन्वेक्स के पास कैसा होता बेटा, वर्चुअल फोकस। गॉट इट? तो ये था बेटा कुछ बेसिक डेफिनेशन जो मिरर से रिलेटेड था, ठीक है ना। और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी एक होता है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब सेंटर से पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द मिरर। एक्चुअली यू कैन से कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो उसी स्फीयर का रेडियस होता है जिस स्फीयर का मिरर पार्ट होता है, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। बट इट विल बी मच बेटर कि आप ये समझो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। होप दैट आपको समझ में आ गई ये सारी बातें, पॉइंट वाइज क्लियर है। यस सर। दिस इज द बेसिक अबाउट द मिरर। मिरर के बारे में थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको बताया कि क्या होता है कैसे होता है, ठीक है। और फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट सम रिलेशंस, सम डेरिवेशन, सम क्वेश्चन एंड आल्सो साइन कन्वेंशन, ओके। सर कल की क्लास मॉर्निंग में होगी? डोंट नो बेटा, मॉर्निंग या इवनिंग, अगर प्लस वन वालों की क्लास होगी मॉर्निंग में तो आपका यही टाइम रहेगा, प्लस वन वालों की क्लास।